नमस्कार, मेरा नाम विशाल लोधी है। मैं यहाँ ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान प्रशिक्षण संस्थान RTIT के माध्यम से यहाँ पशुपालन एवं जैविक खाद के बारे में ट्रेनिंग ले रहा हूँ, जिसकी जानकारी यहाँ के अधिकारी जो है राजीव जी उन्होंने दी थी। और यहाँ हमें ट्रेनिंग जो दे रहे हैं पिछले 20 तारीख से, पिछले 5 दिन से लगभग, और 29 तारीख तक का ये पूरा कार्यक्रम, लगभग 10 दिवसीय कार्यक्रम है। और यहाँ डॉक्टर OP चौबे पशु चिकित्सालय विदिशा से सेवानिवृत्त हैं, जो हमें ट्रेनिंग देने रोज आते हैं। और डॉक्टर साहब ने जो हमें बातें बताई पिछले 5 दिन में, शुरुआती दिन से अगर बताऊँ तो पहले दिन में 2 दिन रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम चला, उसके बाद कुछ गेम्स खिलाए गए जिनके बारे में जीवन में बताया गया कि भाई आत्मनिर्भरता और जोखिम लेना कैसे सीखें। दूसरा, जब डॉक्टर साहब ने अपना पशुपालन का कार्यक्रम चालू किया तो उसमें पशुओं के रख रखाव के बारे में पूरी जानकारी दी गई, पशुओं को हम किस तरह से रखें, एक आदर्श पशुशाला क्या होती है, एक डेयरी प्रबंधन के बारे में पूरा का पूरा एक व्यवस्था बताई गई, कैसा उनका संतुलित आहार होना चाहिए, किस तरह से रोगों से उनकी रक्षा करनी चाहिए, कैसी पशुशाला का प्रबंधन होना चाहिए जिसमें दूध, आजकल दूध निकालने की नई नई तकनीक आ रही है, उनके बारे में बताया गया। पशु अगर बीमार पड़ जाए तो कौन कौन सी दवाइयाँ, कौन कौन से जो साइरप आते हैं, आजकल नई नई चीज़ें आ रही हैं, उनके बारे में भरपूर जानकारी डॉक्टर साहब ने दी। आज लगभग हमें 5 दिन हो गए और लगभग 4 दिन और ये कार्यक्रम चलेगा, तो इसके बारे में डॉक्टर साहब और जानकारी हमें उपलब्ध कराएंगे। और शासन की योजनाओं द्वारा कैसे आगे हमारे उद्यम को हम सफल बना सकते हैं, इसके बारे में भरपूर जानकारी उपलब्ध कराएगी।